हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं सिंगापुर की सबसे सस्ती शॉप, तो लेट्स गो। तो हम लोग आ चुके हैं सिंगापुर की सबसे सस्ती शॉप मींस वैल्यू डॉलर। और इसे सबसे सस्ती इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको 50 रुपये से लेकर 500 रुपये तक की सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या है यहाँ पर। सबसे पहले ये जो सेक्शन है ये शॉप के बाहर है और यहाँ पर है सारा स्टोरेज से रिलेटेड सामान, बास्केट और भी बहुत कुछ। आप देख सकते हो कितनी टाइप की बास्केट्स हैं यहाँ पर। और ये हुक है जिसमें हम कुछ टंगाते हैं फ्रेम्स वगैरह। ये है मेजरिंग कप कुकिंग में जो यूज़ होते हैं। और उसके बाद है ये सभी स्टोरेज से रिलेटेड बास्केट्स, आप देख सकते हैं, जो हमें सामान रखने के काम में आती है। उसके बाद ये जो कुकिंग में हमें बेकिंग सोडा लगता है वो भी 50 रुपये का बड़ा वाला पैकेट यहाँ पर मिल जाता है। साथ ही में किचन क्लीनिंग से रिलेटेड सब कुछ लिक्विड आपको यहाँ अवेलेबल होते हैं। अम्ब्रेला भी यहाँ पर अवेलेबल है क्योंकि सिंगापुर में बारिश का कोई भरोसा नहीं है, बारिश कभी भी हो सकती है, तो अम्ब्रेला आपको रखना ही पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर है कुछ ब्रश और साथ में वाइप्स वगैरह जिससे हम क्लीनिंग करते हैं, रुमाल है, बॉटल साफ़ करने का ब्रश है। और ये सब कुछ आपको $1 में मिल जाता है, मीन्स 50 रुपये के अंदर मिल जाता है। और यहाँ पर ये जो सेक्शन है इसमें है हैंड वॉश 50 रुपये का, वैसलीन का है वो भी, डव का भी है। और वैसलीन का 50 रुपये का तो हमारे इंडिया में भी नहीं मिलता होगा। और ये सारे लिक्विड्स हैं जो कि हमें 50 रुपये में यहाँ पे मिल जाते हैं और जिसकी कीमत इंडिया में 50 रुपये से तो ज़्यादा होती ही है। 80 सेंट्स है, मीन्स यहाँ पर 30 to 35 रुपीज़ में भी सामान मिल जाता है। अब इस सेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे बिस्किट्स, वेफर्स, जिसके पैकेट हम बड़े वाले यहाँ पर 50 रुपीज़ 55 रुपीज़ में मिल जाते हैं। $1 50 से 55 रुपीज़ का होता है, रोज़ चेंज होता रहता है। कभी 54 होती है $1 की वैल्यू, कभी 52, कभी 53, तो ये उस पर डिपेंड होता है। अब ये सेक्शन मेरा फेवरेट है क्योंकि यहाँ पर मुझे मिलते हैं बहुत टाइप के बिस्किट्स जो कि इंडियन ब्रांड्स के भी होते हैं, जैसे टाइगर देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे, ओरियो वगैरह है और बहुत कुछ जो हमें इंडिया में मिल जाते हैं। पार्ले जी के भी देखने को मिलते हैं कभी कभी यहाँ पर। तो ये 50 रुपीज़ में आपको 3 मिलेंगे। ये टाइगर का जो है क्रीम बिस्किट था, तो ये यहाँ पर 50 रुपीज़ में 3 मिल जाएंगे। साथ ही में ये आपको यहाँ पर क्रीम के बिस्किट्स के भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है इसमें आपको देखने को मिलेगी चॉकलेट्स। और ये किटकैट का 9 बार्स का पैकेट था और इसकी जब मैंने इंडिया की प्राइस देखी तो ये 350-349 का था, बट यहाँ पे मुझे 190 में ही ये पैकेट मिल रहा है। तो ऐसी बहुत सी चॉकलेट्स आपको यहाँ पे बहुत सस्ते में मिल जाती है। डेरी मिल्क मिल जाएगी, अभी आप आगे देखोगे डेरी मिल्क भी आपको दिखने वाली है। और यहाँ पर ये जैसा डेरी मिल्क का देखिए सेलिब्रेशन का पैकेट है, ये हमारे इंडिया में थोड़ा महंगा ही होता है, बट यहाँ पर ये 200-250 में हमको बड़ा वाला मिल जाता है। और बहुत से टाइप की चॉकलेट थी जो 50-50 रुपये में ही हमको यहाँ पर मिल रही है। अब यदि हम इस टोब्लेरॉन चॉकलेट का देखें 100 ग्राम के पैकेट की प्राइस, तो इंडिया में है 300 रुपीज़ और वो हमें यहाँ पे मिल रही है 55 रुपीज़ में। यदि हम इस डेरी मिल्क 4 बार की इंडियन प्राइस देखें तो वो है 495, जो हमें यहाँ मिल रहा है 130 रुपीज़ में। तो
तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है इंडियन प्राइस और यहाँ की प्राइस में। तो बहुत सी चीज़ें यहाँ सस्ती मिल जाती है। अब यदि हम 85 सेंट्स में डेरी मिल्क का बड़ा पैकेट मिल रहा है हमको यहाँ पे, तो वो हमें सिर्फ 35 रुपीज़ में पड़ रहा है। तो इस तरीके से ये देखो आप कितनी बड़ी बड़ी डेरी मिल्क है जो कि हमारे इंडिया में बहुत कॉस्टली मिलती है, और वो हमें यहाँ पे सभी सस्ते में मिल जाती है। डेरी मिल्क के अलावा भी यहाँ पर आपको बहुत सारी चॉकलेट्स देखने को मिलेगी जो वही सिर्फ 55 रुपीज़ से स्टार्ट होती है और $2 मिल्स 130-125 में ही आपको मिल जाते हैं, वो भी बड़े बड़े से पैकेट। तो कभी आप सिंगापुर आते हैं तो इस शॉप को आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये हर एरिया के पास होती ही है। तो कभी आपको चॉकलेट खाने का मन करे तो आप यहाँ आके चॉकलेट ले सकते हैं। इस सेक्शन में आपको दिख रहा होगा कि ये नी बेल्ट का सेक्शन है, ये यहाँ पे आपको नी बेल्ट वगैरह सब मिल जाएंगे। और इस सेक्शन में आपको मिलेंगे डिओड्रेंट्स, तो वो भी आपको 100 से 200 की रेंज में मिल जाते हैं। और साथ ही में आप देख सकते हो कि यहाँ पर हैंड वॉश का सेक्शन है, तो हैंड वॉश है जो लक्स के हैं, डव का है, तो ये 50 रुपीज़ का है और इंडिया प्राइस देखेंगे तो 342। इस तरह से यहाँ पर थोड़ा बहुत फ़र्क आता है इंडिया और सिंगापुर में। तो सिंगापुर की चीज़ें थोड़ी सी सस्ती लगेगी आपको इस शॉप में। अब हम यदि इस वैसलिन बॉडी लोशन की इंडियन प्राइस देखें तो 132 रुपीज़ बता रहा है और वही हमें यहाँ मिल रहा है 55 रुपीज़ का। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत से बॉडी लोशन भी आपको इजीली मिल जाते हैं और बड़े पैकेट भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पर बॉडी वॉश, हैंड वॉश, साथ ही में आपका फेस वॉश, सब कुछ यहाँ पर 55 रुपीज़ में मिल जाता है। यहाँ पर आपको वॉशिंग लिक्विड भी मिल सकता है, चाहे वो फिर आपके बर्तन वगैरह के हो, कपड़ों के लिए हो। यहाँ आपको आपके फेवरेट शैम्पूज़ भी मिल सकते हैं और बॉडी वॉश, फेस वॉश, हैंड वॉश, सब कुछ यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा स्टेशनरी से रिलेटेड, बच्चों को जो स्कूल में काम आने वाली चीज़ें होती है वो सभी यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगी। स्टेपलर हो गया, पेन हो गए, पेंसिल हो गई, ड्राइंग बुक हो गई, वो सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको डिस्पोजल आइटम भी मिल जाते हैं, जैसे प्लेट हुआ, ग्लास हुआ, वो भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। कि आर्टिफिशियल फ्लावर जो हम हमारे घर में रखते हैं फ्लावर पॉट, वो भी आपको यहाँ पे इजीली अवेलेबल होता है। हेयर कलर करने के भी आपको सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बहुत सारी चीज़ें जो घर में हमें डेली रूटीन में लगती है वो सब अवेलेबल है। इस सेक्शन में आप देखोगे कॉफ़ी, हॉर्लिक्स, जो भी हमें मैगी वगैरह लगती है वो सब यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर आपको टोमेटो सॉस, सारे प्रकार के अचार भी मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन में ये है किचन से रिलेटेड सामान, लाइटर है, मेजरिंग कप है, स्पून है और प्लेट है, मग है, सब कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे स्टोरेज बॉक्सेस है, ये इलेक्ट्रिक एक्सटेंशन है, और ये है एयरटाइट डब्बे जो मिलते हैं 55 से 100 रुपीज़ के बीच में। तो पूरा सेट भी आपको यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे हॉर्लिक्स का बड़ा पैकेट भी आपको 200 में मिल जाता है और नेस्कैफे कॉफ़ी के भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे ग्रीन टी आपको 50 रुपीज़ में मिल जाती है। अब ये आता है कोल्ड ड्रिंक सेक्शन, जहाँ पे आप देख सकते हैं कोको कोला की कितनी बड़ी बॉटल आपको मिल रही है मात्र 50 रुपीज़ में। तो आप जितने भी तरह के कोल्ड ड्रिंक्स यहाँ से लेना चाहे ले सकते हो, सभी कुछ 55 रुपीज़ में अवेलेबल है।
ये यहाँ पर आपको लॉक दिख रहे होंगे, लॉक भी यहाँ पर मिल जाते हैं। तो इस शॉप पे आपको सब कुछ जो हमें घर में लगता है वो इजीली अवेलेबल होता है और बहुत ही सस्ता आपको मिल जाता है। ये सारे चिप्स का सेक्शन है, आपको यहाँ पे डिफरेंट फ्लेवर्स के चिप्स होते हैं, लेज भी है यहाँ पर और प्रिंगल्स वगैरह भी सब है। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे। तो ये जो सेक्शन है यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड सब कुछ मिल जाएगा, जैसे ईयरफोन हुए और आपके मोबाइल कवर हुए, और ये बहुत सारा आपको ऊपर दिख रहा है जो बहुत कुछ यहाँ पे मिल जाता है। चार्जिंग केबल हो गया वो मिलता है, और सभी मोबाइल के आई थिंक आपको कवर भी मिल जाएंगे, और यहाँ पर लाइट्स, छोटे पंखे वगैरह आपको सब मिलता है। तो ये आप इस शॉप पे ज़रूर विज़िट कर सकते हो, और आपको आपके एरिया के पास ही ये आपको मिल सकता है। आप सर्च करेंगे नेट पे वैल्यू डॉलर इस शॉप का नाम होता है, तो कभी आप सिंगापुर आते हैं तो वैल्यू डॉलर से आप बहुत कुछ लेके जा सकते हो। ये यहाँ पर भी आपको बाहर कोल्ड ड्रिंक सेक्शन मिलेगा, जिसमें आपको बड़ी सी बड़ी बॉटल 50 रुपीज़ में मिल जाएगी। आप कोको कोला को मैंने जूम करके दिखाया है क्योंकि बहुत से लोग कोको कोला पीते हैं, पसंद करते हैं, तो ये यहाँ पर 50 रुपीज़ में इतनी बड़ी बॉटल, ऑयल की इतनी बड़ी बॉटल, टिश्यू वगैरह सब कुछ मिल जाता है। ये टूर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।